क्या हाल है पोकी फैंस, मैं हूं बोल्ट एंड गाइस पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू पार्ट 9 में आप सभी भाइयों को स्वागत कर रहा हूं। गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि कैसे मैंने स्क्वर्टल और चार्मेंडर को ले लिया था, ठीक है। स्क्वर्टल मैंने ले लिया था ऑफिसर जेनी से और चार्मेंडर मैंने रूट 24 में एक लड़का था उससे ले लिया था, ठीक है। एंड गाइस अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूं। उस दिन तो आप लोगों ने देख ही लिया था कि कैसे मेरे स्क्वर्टल वाटरटल में बदल गया था, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को दिखाना था गाइस, मैं पार्टी में जाकर के दिखाना चाहूंगा। गाइस आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो चार्मेंडर था वो भी चार्मेलियन में बदल गया है गाइस, लेवल 30 पहुंच चुका है एंड वाटरटल लेवल 35 में पहुंच चुका है, ठीक है। 36 में ये ब्लास्टोइज बनेगा, ठीक है, और ये शायद से 36 में चार्जार्ड बनेगा, शायद से चार्मेलियन आज चार्जार्ड में नहीं बदलेगा लेकिन वाटरटल जरूर से आज ब्लास्टोइज में बदलेगा। एंड बाकी के आप लोग पोकेमॉन्स देख ही सकते हो, 64 66 आर्कनाइन वीनासोर 67 और राइडोन 66। तो ठीक है गाइस, एंड मैं इस टाउन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे उस दिन एक भाई ने बोला था कि ब्रो आपको फिशिंग रॉड इस इंसान के पास मिल जाएगा, ये वाला जो इंसान है। तो चलो बात करके देखते हैं, लेट्स सी ये मुझे देगा कि नहीं। ओके, दिस लेप्रस इज गेटिंग ऑन इन एज बट इट्स स्टिल अ रियल ब्यूटी, वुडंट यू से। वी यूज टू राइड ऑन वेव्स एंड ट्रेवल द होल वाइड वर्ल्ड टुगेदर। ओके, स्प्लैश, लेप्रस कैन्ट स्विम लाइक इट यूज टू, सो वी विल स्टे हियर टुगेदर। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, as thanks I will teach you the secret technique sea scheme. Okay, with this technique you can travel on water. Achcha, maza aa gaya, ye bhi Pikachu hi seekhne wala hai kya? Lekin Pikachu ko water type moves kaise aate honge? Okay, let's see. Haha, your Pikachu wants to learn it. Chalo theek hai Pikachu, tum ye bhi seekh lo yaar. I am not sure if it can learn it, it's not water type. लेकिन फिर भी पिकाचू सीखना चाहता है गाइस। पिका पी, यू लुक डिटरमाइंड जस्ट लाइक माय लेप्रास। ओके ओके, आई विल टीच यू द टेक्निक देन। ओके, तो शायद से पिकाचू ये टेक्निक भी सीख जाएगा गाइस। नाउ यू हैव टू कीप बैलेंस ऑन द वाटर, लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड कीप बैलेंस विथ योर अपर बॉडी। ओके गाइस, आप लोग देख पा रहे हो क्या ही क्यूट लग रहा है ना पिकाचू। लर्न द सीक्रेट टेक्निक स्काई स्कीम। ओके, ओ सी स्कीम, सॉरी, आई विल गिव यू दैट बोर्ड टू। अच्छा, ये सर्फ बोर्ड भी हम लोग को मिल चुका है गाइस। राइड वेव्स एंड ट्रेवल द होल वाइड वर्ल्ड टुगेदर। ओके ओके, तो गाइस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे स्काई स्कीम क्यों बोल रहा हूँ, सी स्कीम टेक्निक भी मिल चुका है गाइस, मतलब सीख चुका है मेरा पिकाचू। अभी क्या करेंगे गाइस, और मेरे को एक भाई बोल रहा था एक मिनट कि अगर मैं अपने पोकेमॉन को फ्लाई सिखा दूंगा फिर वो उस फ्लाई के मदद से वो मतलब किसी भी टाउन में उड़ जा सकता है, मतलब ठीक है, मतलब हवाई ट्रेवल कर सकता है। तो देखते हैं गाइस, लेकिन ये पॉसिबल है इस गेम में? पहले के पोकेमॉन गेम में तो ये पॉसिबल था कि हम लोग फ्लाई सीखते थे एंड फ्लाई टीएम केस में नहीं मिलता था गाइस, फ्लाई हम लोग को मिलता था आई थिंक एचएम के रूप में मिला था, ठीक है। तो फ्लाई सिखाने के लिए मुझे अपने पिजी को लाना पड़ेगा, पिजी को अपने बैग से लाना पड़ेगा, पोकेमॉन बॉक्स से। चलो मैं जल्दी से पिजियोट को ले लेता हूँ अपने पार्टी में और देखते हैं कि ये सही में फ्लाई सीख पाएगा। किसके जगह रिप्लेस करेंगे, किसके जगह चार्मेलियन के जगह ही अभी रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ठीक है। और फिर मैं इसको सिखा देता हूँ अभी टीएम केस में जाके फ्लाई फ्लाई फ्लाई, कहाँ है फ्लाई? ओके, ये रहा फ्लाई, तो चलो सिखाते हैं। ऑलरेडी नोज दिस मूव। ओके, तो अभी क्या करना पड़ेगा, मैंने सिखा दिया था क्या पिजियोट को ये मूव? ओके, फिर पार्टी में जाके अब पिजियोट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्लाई हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि शायद से इस गेम में फ्लाई नहीं कुछ और नाम से होगा वो मिलेगा शायद से, और वो टेक्निक भी शायद से पिकाचू ही सीखने वाला है, पता नहीं गाइस। तो आज हम जाते हैं दूसरे सिटी एक्सप्लोर करेंगे एंड दूसरे जिम लीडर्स को भी डिफीट करेंगे। वैसे गाइस मुझे 6 बैच तो मिल चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया। अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, आज शायद से 7 बैच के लिए मैं फाइट करने वाला हूँ एंड देखते हैं गाइस इधर से मैं जा पाऊँगा कि नहीं, ठीक है। ओके स्काई, और अरे नो क्यों कर रहा हूँ, द वाटर इज मूविंग, डू यू वांट टू यूज़ द सीक्रेट टेक्निक सी स्कीम? ओके, सी स्कीम यूज़ कर रहा हूँ। ओके गाइस, आप लोग देख पा रहे हो, ओ पी गाइस आप लोग देख पा रहे हो क्या ही ऑसम लग रहा है वो, ये तो मैजिक कार्ब है, मैं पकड़ लूँ क्या गाइस? मुझे फिर 11 डोज मिल जाएगा, लेकिन पकड़ सकते हैं बट गाइस मेरे पास अभी ब्लास्टोइज भी है लेकिन पोकेमॉन चाहिए यार टीम में। चलो पकड़ लेते हैं मैजिकार्प को, पकड़ लेते हैं और सीधा इसको गैराडोस बनाएंगे, ठीक है, मज़ा आएगा गाइस। गैराडोस कितना बड़ा पोकेमॉन है ना, मुझे बड़े बड़े पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्ट्रा बॉल ही फेंक रहा हूँ, ओके, इसको पकड़ना पड़ेगा। ओके एक्सेलेंट, ये तो एक ही बार में शायद से पकड़ में आ जाएगा, लेट्स सी गाइस क्या होता है।
लेट्स सी। ओके आ गया गाइस मैजिकर भी। ये कितने लेवल का है मैंने देखा ही नहीं इसका लेवल गाइस। ओ है लेवल 40 का मैजिक कार्ड, क्या बात कर रहे हो भाई। नहीं 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 क्या लेवल 40 का मैजिक कार्ड, ओ भाई साहब एक मिनट, मुझे इस मैजिक कार्ड को चाहिए यार, मेरे को मैजिक कार्ड चाहिए ये गाइस। लेवल 40 का मैजिक कार्ड यार क्यों नहीं चाहिए यार, इसको पार्टी में ऐड करेंगे और सीधा इसको रेयर कैंडी से ना, इसको रेयर कैंडी से सीधा बनाएंगे 11 डोज। वाटर टर्टल को थोड़ी देर के लिए मैं साइड कर देता हूँ, ले लेंगे गाइस उसको ब्लास्टोइज बनाने के बाद। लेकिन लेवल 40 का मैजिक कार्ड सीधा उसको बना सकेंगे हम लोग अभी 11 डोज गाइस। कैंडी जार में देखते हैं कि नहीं रेयर कैंडी, ओ है गाइस मेरे पास 2 रेयर कैंडीज पर है। ओ साथ ही साथ मैं अपने वाटर टोल को भी ब्लास्टोइज बना सकता था, लेकिन उसको बनाएंगे गाइस। ओ गाइस देखते हैं अभी मैजिक कार्ड बनेगा कि नहीं 11 डोज। लेट्स सी गाइस। ओ ये गाइस, ओ ये अब मजा आने वाला है गाइस, 11 डोज बनने वाला है यार। मेरे को 11 डोज पोकेमॉन ये काफी ज्यादा पसंद है गाइस, एंड 11 डोज को मैं बहुत ज्यादा अटैक्स भी सिखा पाऊंगा गाइस। ओ पी गाइस आप लोग देख पा रहे हो यार, एक चीज देखेंगे ठीक है, क्या मैं 11 डोज के सहारे भी यहाँ पे स्विम कर पाऊंगा। 11 डोज लर्न बाइट, ओके एक काम करते हैं गाइस बैग में जा करके मेरे पास टीएम केस में कौन कौन से अटैक है, शेडो बॉल नहीं, टॉक्सिक सिखा देते हैं अपने 11 डोज को, टॉक्सिक सिखा देते हैं क्योंकि इसके पास अच्छे अच्छे मूव्स नहीं है, शायद से स्प्लैश ही होगा, देखते हैं गाइस। ओ ऑलरेडी नोज दिस मूव, क्या अच्छा सिखा दिया, ओ इसके पास सिर्फ स्प्लैश ही था, ओके तो और कौन कौन से अटैक सिखा पाएंगे, हाइपर बीम भी सिखा सकते हैं अपने, डार्क पल्स भी सिखा सकते हैं, तो डार्क पल्स सिखा देते यार 11 डोज को, डार्क पल्स सिखाते, डार्क टाइम मूव तो चाहिए यार। ओके कौन सा वाला अटैक हटाएं, टैकल को हटा देते हैं यार, टैकल को हटा देते हैं, ओके 1 2 टडा, ओके 11 डोज ने सीख लिया गाइस डार्क पाल जो कि एक डार्क टाइप मूव है। और कौन कौन से अटैक सिखा सकता हूँ इसको मैं, रेस नहीं सिखाना है, ओ थंडर बोल्ट गाइस, अरे ये तो एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव है ना, अरे यार मजा आ रहा है गाइस। 11 डोज अभी थंडर बोल भी सीखेगा तो स्प्लैश कैसे का मैं थंडर बोल सिखाऊंगा ऑब्वियसली गाइस। ओके 1 2 टडा, ओके अभी एक चीज़ देखेंगे गाइस, अभी एक चीज़ देखेंगे, अगर मैं 11 डोज को, एक मिनट, अगर मैं कहाँ गया, मैं पार्टी में जाता हूँ जल्दी से, मैं 11 डोज को अपने पॉकेट से बाहर निकाल देता हूँ। ओके अब देखते हैं गाइस, अब देखते हैं, ओ गाइस आप लोग देख पा रहे हो स्काई स्कीम की जगह मैं अभी अपना 11 डोज भी यूज़ कर सकता हूँ क्या, चलो देखते हैं, अब फिर से देखते हैं गाइस, ठीक है ओके फिर से देखते हैं गाइस। अभी पिकाचू यूज कर रहा है सी स्कीम, ओहो गाइस ये है ओपी चीज, ये है ओपी चीज गाइस, हो पी लग रहा है यार, हो चलो गाइस आज का पहला वाला बैटल भी करते हैं, आ जाओ फाइट करेंगे, आ जाओ लड़ते हैं गाइस। गाइस 11 डोज ओपी हो जाना चाहिए ठीक है। योर चैलेंज बाय ब्यूटी एलिस, ओके गोल्ड डक को भेजा इसने, ओके गाइस पिकाचू जाओ तुम ही दिखा दो यार। तो पिकाचू अभी थंडर पंच यूज करने वाला है, यूज करो पिकाचू थंडर पंच, लगा फटका और एक ही बार में आउट गाइस, एक ही बार में आउट, बहुत बढ़िया, लैंडेड ए क्रिटिकल हिट, ओके द ऑपोजिंग गोल्डक फेंटेड। अब देखते हैं दूसरा पोकेमॉन कौन सा होगा, ऑब्वियसली वाटर टाइप पोकेमॉन ही होगा, अब देखते हैं दूसरा वाला पोकेमॉन कौन सा होगा, क्लॉयस्टर गाइस ये एक शेल पोकेमॉन है, चलो बैटल की बैटलिंग ही करते हैं गाइस। क्लॉयस्टर को भेजा इसने, ओके गाइस ओके तो इसके ऊपर हम थंडर बोल्ट यूज करेंगे ठीक है क्लॉयस्टर के अगेंस्ट। ओके पिकाचू यस गाइस मैंने वन शॉट बोल्टे फेंट कर दिया इन लोग को, वन शॉट फेंट, मजा आ गया गाइस। तो गाइस आज का पहला वाला बैटल भी हम लोग एकदम अच्छी तरीके से जीत हासिल करते हुए, एकदम अच्छा विन था ये। तो चलो गाइस हम लोग इधर से चलते हैं अभी, ओ एंड ये बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मेरे को लगा था कि ऐसे ही हम लोग जा पाएंगे 11 डोज के ऊपर, और इसी तरीके से हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा नेक्स्ट सिटी में ही हम लोग निकलेंगे ठीक है। ओह गाइस ये टेंटा कूल है, इसको भी पकड़ लेते हैं गाइस, मेरे पास ये पोकेमॉन नहीं है, अरे क्यों नहीं पकड़ पा रहा, ओके टेंटा कूल को पकड़ेंगे गाइस। गाइस इसका इवोल्यूशन फ्रॉम टेंटा कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेवल 41 गाइस, आप लोग पोकेमॉन के लेवल देख रहे हो,
ओह मैं गलती से उल्टा थ्रो कर दिया यार। आप लोग पोकेमन के लेवल देख रहे हो अभी, कितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पोकेमन्स मेरे को मिल रहे हैं यार। ओके चलो टेंटाक्रोल इस बार आ जाओ। ओके टेंटाकोल कमान कमान, अरे नहीं पकड़ पाया यार। ओके टेंटाकोल इस बार तो तुमको पकड़ के ही छोड़ेंगे। कमान यस नाइस 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 नाइस। ओके वन टू थ्री यस यस गाइस पकड़ लिया। टेंटाकोल भी मेरे हाथ में आ गया है अभी गाइस। वाटर टाइप पोकेमन्स मैं कलेक्शन में रखूंगा गाइस, अच्छा लगता है ना कलेक्शन में रखने के लिए। ओके टेंटाकोल डाटा हैज बीन एडेड। ओके ओके ये एक वाटर पॉइजन टाइप पोकेमन है गाइस एंड काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमन है। तो इधर से हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं गाइस, मुझे क्या टाउन मैप देख लेना चाहिए। चलो गाइस टाउन मैप देख लेते हैं। हम लोग अभी है यहाँ पे, तो ये कौन सा, ये सी फोम आइलैंड है और ये है सिनेवर आइलैंड। ओके गाइस शायद से नेक्स्ट जिम बैटल सिनेवर आइलैंड में ही होगा। एंड ये कौन सा जगह है, विक्ट्री रोड। अच्छा ये पोकेमन लीक की तरफ जाता है ना। ओके मैं समझ गया हूँ। एंड मैंने अभी तक ये जगह एक्सप्लोर नहीं करा है, पावर प्लान। तो मुझे पावर प्लान भी जाना चाहिए था, लेवेंडर टाउन के पास ही है। चलो पावर प्लान भी जा लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग सी फोम आइलैंड जाते हैं और फिर सिनेवर आइलैंड जाते हैं। ओके तो किस तरफ से उठना पड़ेगा, किस तरफ से उठना पड़ेगा, इस तरफ से उठना पड़ेगा शायद से। ओके इस तरफ से। ओके हम लोग ये कौन से आइलैंड पे पहुंच गए, ये है क्या, अच्छा नहीं नहीं शायद से। ओके ओके मुझे समझ में आ रहा है, एक मिनट इनसे बात करके देखते हैं ये कौन है। ये तो ये है ना डिलीवरी, जो डिलीवरी मार्ट है उनका कोई एग्जीक्यूटिव लग रहा है। हेलो इट्स योर फ्रेंडली पोशन डिलीवरी सर्विस। ओके 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 मुझे समझ में आ रहा है। तो शायद से मेरे सारे पोकेमन सभी हेल्थ फुल होंगे। ओके और मेरे ऑलरेडी पोकेमन्स के हेल्थ फुल थे, शायद से फिर भी हेल्प फुल कर दिया होगा। लेकिन इस टनल से हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, सी फोम आइलैंड की तरफ। एंड ये वाला जो केव है ये भी देखेंगे गाइस, एक्सप्लोर करेंगे यार। तो चलो गाइस चलते हैं सी फोम आइलैंड और देखते हैं सी फोम आइलैंड कैसा है। ओके गाइस यहाँ पे बहुत सारा कोहरा है गाइस, ये स्लो पोक है पकड़ लेंगे यार, स्लो ब्रो बना सकते हैं इसको। और ये मेगा इवॉल्व भी होता है गाइस जहाँ तक मुझे पता है, पकड़ ही लेते हैं गाइस, पकड़ ही लेते हैं क्योंकि ये मेगा इवोल्यूशन भी लेता है गाइस। लेवल हाई होगा इसका, लेवल 44 का है यार, डायरेक्ट बन जाएगा यार गाइस, ये डायरेक्ट बन जाएगा स्लो ब्रो। वन टू थ्री कमान। ओ गाइस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। चलो और एक बार फेंकेंगे अच्छी तरीके से, इस बार अच्छी तरीके से थ्रो करेंगे ठीक है। कमान यस ग्रेट थ्रो, अब देखते हैं गाइस लेट्स सी। वन टू थ्री यस यस कमान। अरे गाइस आप लोग देख पा रहे हो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके इसको कुछ खिला के पकड़ेंगे ठीक है। रेसबेरी खाओगे तुम, ये लो रेसबेरी खाओ। ओके अब इसको पकड़ के देखेंगे। कमान एक्सेलेंट थ्रो किया इस बार मैंने, अब देखते हैं गाइस इसको पकड़ पाएंगे कि नहीं। टू थ्री कमान 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 गाइस, इसको खिलाने के बाद भी मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। चलो और एक बार ट्राई करते हैं। कमान यस गाइस फिर से ग्रेट थ्रो, इस बार प्लीज, इस बार प्लीज हाथ में आ जाओ यार। कमान यस गाइस हो गया, स्लो पोक को हमने पकड़ लिया है। अभी मैं इसको इवॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन गाइस अभी इसको इवॉल्व नहीं करेंगे ठीक है, टाइम में करेंगे इसको, टाइम लेकर के आराम से कर देंगे यार। स्लो पोक्स ओके। तो गाइस स्लो पोक को मैंने पकड़ लिया है। एंड इस बॉल में क्या है, ओ गाइस ये तो जिंक्स है गाइस। ओ भाई ये क्या आइस टाइप केफ है, हाँ गाइस ये आइस टाइप केफ है, आप लोग देख पा रहे हो जिंक्स को पकड़ते हैं यार। ओ अरे सामने की तरफ तो एक स्लो ब्रो भी था यार, मैंने स्लो पोक को ऐसे ही पकड़ लिया। जिंक्स एक साइकिक टाइप पोकेमन है गाइस एंड काफी शक्तिशाली पोकेमन है। जिंक्स साइकिक टाइप में काफी शक्तिशाली है, लेकिन पकड़ पाएंगे कि नहीं चलो देखते हैं एक ही बार में। वन टू कमान थ्री कमान यस गाइस एक ही बार में पकड़ लिया हमने जिंक्स को। भाई बहुत ज़्यादा पोकेमन्स पकड़ रहा हूँ यार मैं, और इस बार तो मुझे अच्छे अच्छे पोकेमन्स भी मिल रहे हैं। चलो देखते हैं, मेरा पीजी और भी लेवल अप हो गया। चलो देखते हैं कि कितने सारे मुझे आइस टाइप पोकेमन्स इधर मिलने वाले हैं गाइस। ये देखो यार स्लो ब्रो, मैंने ऐसे ही यार स्लो पोक को पकड़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा था यहाँ पे, ये पत्थर को हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन उस तरफ जाएंगे तो जाएंगे कैसे, जंप करके जाना पड़ेगा क्या, नहीं जंप तो नहीं कर सकते हैं, फिर कैसे जाएंगे गाइस। ओके तो इसी के साथ कुछ करना पड़ेगा शायद, पिकाचू यूजर सीक्रेट टेक्निक मूव। ओके गाइस हम लोग मूव कर रहे हैं, कमान पिकाचू। ओके क्लिक कर करके इसको मूव करना पड़ेगा। ओके कमान पिकाचू यस कमान। ओके कमान पिकाचू यस,
इसको अभी हम लोग डाल देंगे इसके अंदर। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ हुआ क्या? और मैं कहाँ गिर गया यार, मैं कहाँ पे आ गया यार? गाइस कुछ तो बहुत गड़बड़ है इस केव में। इसको भी ढकल के देखें क्या। कमान पिकाचू, ये फिर से कहाँ पे चला गया गाइस? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो ऊपर की तरफ जाकर के देखते हैं। ये सीफोम आइलैंड में जाने का रास्ता थोड़ा मतलब मिस्टीरियस है। ओ हम लोग इस तरफ से गए थे, एक मिनट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग इस तरफ से, ओ हाँ हाँ हम लोग इस तरफ से ही गए थे। फिर भी देखते हैं गाइस। हाँ हाँ डेफिनेटली इस तरफ से गए थे और यहाँ पे निकल गए, और जब मैं इस तरफ से ऊपर उठा तो फिर से उसी जगह में पहुँच गया। ओके मुझे समझ में आ रहा है अभी गाइस। तो हम लोग इस तरफ से नहीं जा पाएंगे। इनके साथ बात करके देखते हैं। आई सी यू हैव प्लेंटी ऑफ पोकेबॉल्स, इफ़ यू एवर रन लो कम टॉक टू मी। अच्छा ये मुझे पोकेबॉल्स देने वाला है शायद से। तो गाइस मुझे, हाँ मुझे समझ में आ रहा है गाइस। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके तो अभी इस पत्थर को शायद से मूव करना पड़ेगा। लेट्स सी ये पत्थर हमें कहाँ पे लेके जाने वाला है। ओके ये अंदर चला गया, अब मैं भी अंदर चला जाता हूँ। लेट्स सी। ओके गाइस ये अब कौन सा जगह है? ओके गाइस आप लोग देख पा रहे हो ना, थोड़ा सा मिस्टीरियस साउंड भी बैकग्राउंड में बज रहा है, टिं 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 ऐसे करके। एक मिनट गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये पोकेबॉल ले लेता हूँ। आइस बीम गाइस, मेरे को एक आइस टाइप मूव मिल चुका है गाइस। आइस बीम बहुत बढ़िया है यार। आइस बीम सिखा दो क्या? आपने किसी एक पोकेमॉन को आइस बीम सिखाई देता है? गैराडोस सीखेगा क्या? शायद से सीखेगा वो। चलो आइस बीम सिखाई देते हैं गाइस। आइस बीम यस, गैराडोस कैन लर्न। और आइस टाइप मूव मेरे टीम में किसी को नहीं आता है, अभी गैराडोस को आएगा। तो चलो आइस बीम सिखा देते हैं। बाइट नहीं चाहिए तो आइस बीम रख देते हैं बाइट के जगह। ओके गैराडोस ने बाइट, सॉरी आइस बीम सीख लिया है गाइस। ओके गाइस आप लोग देख पा रहे हो, ये तो सील है गाइस। ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है ये गुफा। यहाँ पे भी एक सीढ़ी है। ओके गाइस मैं इस तरफ आ गया हूँ, अभी देखते हैं गाइस। क्योंकि यहाँ पे करंट बहुत फास्ट तरीके से जा रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, थोड़े साइड में सी स्कीम यूज़ करके देखूँगा क्या 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 क्या, क्या? नहीं 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 गाइस, देखा ना कैसे वेव्स मेरे को धकेल रहे हैं पीछे, तो मैं इस तरफ से भी नहीं जा पाऊँगा। ये आइलैंड काफ़ी गाइस खतरनाक है यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे जाना है, किस तरफ जाना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार। कुछ तो है इस आइलैंड में, कुछ तो बहुत बड़ा मिस्ट्री है इस आइलैंड में। पता नहीं क्या मिस्ट्री है गाइस, वो मिस्ट्री को आज सॉल्व करके ही रहेंगे। ओह मैं कहाँ पे आ गया फिर से गाइस? ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे जा करके देखते गाइस, जो मेरे को दिख रहा है वो भी आप लोगों को दिख रहा है ना? ये आर्टिक कूनो है गाइस। ये आर्टिक कूनो है गाइस। क्या हम आर्टिक कूनो को पकड़ पाएंगे? वैसे मेरे पास एक मास्टर बॉल है गाइस। ओ गाइस मजा आने वाला है। चलो हमारे टीम में एक लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन आएगा यार, मैं एक लेजेंडरी ट्रेनर बनने वाला हूँ गाइस। चलो पकड़ते हैं इसको, देखते हैं गाइस क्या होने वाला है सीन। ओ नो गाइस मेरे को डर लग रहा है यार। ओ पी गाइस, ओ पी, आप लोग देख पा रहे हो गाइस मजा आने वाला है, मजा आने वाला है गाइस, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। शायद से पहले आर्टिकुनो को डिफीट करना पड़ेगा, फिर उसको पकड़ पाएंगे। ओके 5 मिनट का टाइम है, लेवल 50 का है। थंडर पंच यूज करते हैं, कमान पिकाचू थंडर पंच यूज करो। लगाओ, लगा फटका तो लगा भाई, फटका तो लगा। अब देखते हैं रिफ्लेक्ट यूज कर रहा है आर्टिकुनो। ओके ओके पिकाचू और एक बार थंडर पंच, और मेरे पिकाचू ने एक लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन को उड़ा दिया गाइस। वो नहीं उड़ाया अभी तक, इट्स सुपर इफेक्टिव लेकिन अभी तक उड़ा नहीं पा रहा है। बट आर्टिकुनो इज पैरालाइज्ड गाइस। आर्टिकुनो फिर भी अटैक यूज कर रहा है, एजिलिटी यूज कर रहा है। ये है लेजेंडरी पोकेमॉन की खासियत गाइस। ओके पिकाचू इस बार तो उड़ा देगा, लेट्स डू इट पिकाचू, डबल किक यूज करो। ओके गाइस ये काफी स्ट्रांग है यार, काफी स्ट्रांग है यार आर्टिकुनो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। एंड गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ क्योंकि पहला लेजेंडरी पोकेमॉन आज हमने पकड़ ही लिया, ऑलमोस्ट पकड़ लिया गाइस। अभी देखते हैं, ओ इस आइस बीम यूज़ कर रहा है गाइस।
आइस भी यूज कर रहे हैं, पिकाचू को तो फटका पड़ा, अब थंडर पंच यूज करो पिकाचू, और खत्म कर दिया गाइस। हाँ, मैंने हरा दिया आर्टिकुनो को, और वो भी जैसे तैसे गाइस। आर्टिकुनो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, अब देखते हैं गाइस आर्टिकुनो को पकड़ पाएंगे। क्या लगता है गाइस, क्या लगता है गाइस, मैं अल्ट्रा बॉल फेंक के देखूं क्या? अल्ट्रा बॉल से पकड़ नहीं पाएंगे, बट स्टिल आई विल ट्राई गाइस। चलो कमान कमान कमान, 1 2 3, यस यस गाइस, अल्ट्रा बॉल से ही मैंने आर्टिकुनो को पकड़ लिया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आर्टिकुनो को मैंने अल्ट्रा बॉल से पकड़ लिया यार। ओ ये गाइस, हमारे टीम में अभी आर्टिकुनो है, लेजेंडरी पोकेमॉन गाइस, लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन। ये बॉय, मजा आने वाला है गाइस, मजा आने वाला है गाइस। गाइस जल्दी से आर्टिकुनो को अपने टीम में डाल लेते हैं यार। हे पिजियट की जगह आर्टिकुनो को रखेंगे, मजा आ गया गाइस, बहुत ज्यादा मजा आ गया। अभी इधर से निकलते हैं और सिनेबर आइलैंड की तरफ चलते हैं, लेट्स गो, मजा आएगा अभी, लेट्स गो पिकाचू। गाइस हमारे पास भी एक लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन भी है, मैं बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ। हे मजा आ गया, ये मैजिकार्प को देखो क्या कर रहा है। चलो हमें अभी इधर से निकलना है गाइस, हम लोग इस रूट से निकल गए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये रूट कहाँ पे निकलेगा, तो हम लोग गुफा के अंदर से होकर के इधर आ गए हैं। तो शायद से अभी हम लोग को सी स्कीम यूज़ करके अपने गैराडोस के ऊपर बैठ के सिनेबर आइलैंड पहुँचना है। तो चलो सिनेबर आइलैंड पहुँच लेते हैं गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, आज का एपिसोड काफ़ी मज़ा आ रहा है ना गाइस। आज के एपिसोड में हमने क्या क्या नहीं करा गाइस, चलो इस बॉल में क्या है वो भी ले लेते हैं गाइस। अल्ट्रा बॉल्स मिला गाइस, आज के एपिसोड में हमें 11 दोस्त मिला, बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़े, और गाइस एक लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन आर्टिकुनो जो एक आइस लेजेंडरी टाइप पोकेमॉन है वो भी पकड़ लिया गाइस, मज़ा आ गया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो चलो सीधा अभी चलते हैं सी फोम आइलैंड, अरे नहीं यार सिनेबर आइलैंड। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सिनेबर आइलैंड, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये है जिम गाइस, जिम फाइट करेंगे। ब्लेन है लीडर, एंड ब्लेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक जिम लीडर है, ठीक है। तो पहले तो अपने पोकेमॉन सेंटर में जा करके अपने पोकेमॉन्स को हील अप करते हैं, आर्टिकुनो को 2-3 मूव्स सिखाते हैं, फिर हम लोग ब्लेन के साथ फाइट करेंगे, ठीक है।